ए नॉट ऑडिबल सीन कैमरा कनेक्ट है ओके okay. okay, so फिर से, फिर से लगा के फिर से निकालो लगा दो, फिर से निकालो आ तो क्या आ तो क्या ऑडिबल

तसल, एक टसल के बाद ये सारी चीज़ें कभी कभी हो जाता है नहीं हो पा रहा था और क्योंकि थैंक यू वेरी मच सॉरी आई केप्ट यू वेटिंग आई विल नॉट यू लॉन्ग विच पोएम डज द फॉलोइंग फॉलोइंग स्टेटमेंट अपियर ये स्टेटमेंट किस पोएम में अपीयर होती है मतलब कहाँ पर ये पोएम किस पोएम में आती है और आ, आ, आज तो शुरुआत ही मतलब और शुरुआत ही गड़बड़ हो गया तो कोई बात नहीं बट सॉलीटाइम्स बेस्ट इज द बेस्ट सोसाइटी एकांत कभी कभी सबसे अच्छा समाज होता है पैराडाइज लॉस्ट लिसिडस पैराडाइज रीगेन्ड कोमस तो वेयर डू यू फाइंड ऑल दीज लाइन्स माई डियर एंड ये एक इंपॉर्टेंट uh, क्वेश्चन है यहाँ पर संजय कुमार का आंसर मिल रहा है पैराडाइज लॉस्ट एंड प्रदीप का आंसर है और कई लोगों का आंसर है पैराडाइज लास्ट तो जब कई लोगों देखो एक बात सीधी सी बात होती है आपको बता दूं मेजॉरिटी ओनली मीन्स समटाइम्स मेजॉरिटी मैटर्स एंड ऑल द टाइम्स मेजॉरिटी मैटर्स सो हाउ कैन आई गो इज मेजॉरिटी इट इज़ लूसीफर का नाम आपने सुना होगा लूसीफर वन ऑफ द फॉल एन एंजल्स और बुक uh, नाइन में ये बात आती है तो बुक नाइन पैराडाइज लास्ट बुक नाइन ठीक है इट्स फ्रॉम बुक नाइन एंड पैराडाइज लास्ट बाकी सब आप जानते हैं पैराडाइज रिगेंड 1671 में आता है, 1670, uh, में आता है है 1670 1676 में लिसिडस आप जानते हैं कोमस आप जानते हैं लिसिडस बहुत इंपॉर्टेंट पोईम है इसलिए इसको हल्के में मत लीजिएगा क्योंकि इसकी लाइन बहुत पूछता है तो आप इसको यू कैन नॉट टेक दीज पोइम्स वेरी लाइटली राइट डियर और सो डियर लेट्स बिगिन लेट्स यस मोस्ट ऑफ़ यू हैव गिवन करेक्ट आंसर यहाँ पर उषा देवी का भी आंसर सही है सरस्वती जी का भी आंसर सही है सो आई एल मूव टू नेक्स्ट वर्ड्स वर्थ बिफोर इज डेथ रिजाइडेड एट रिजाइड निवास करना मतलब वर्ड्स वर्थ अपनी मौत से पहले कहाँ पर रिजाइड करते थे मतलब 1813 uh, में वहाँ शिफ्ट हुए थे आप कह सकते हैं मौत रिडल माउंट uh, ग्रासमियर uh, पार्सनेस डब कॉटेज और आलन बैंक तो ये कहाँ पर वो थे अगर आप हम कहें तो वर्ड्स वर्ड जो थे आप कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर फ्रॉम 1813 थर्टीन टिल डेथ ही ऑलमोस्ट स्पेंट अ टाइम अ टाइम वेयर एक्चुअली वी से अ टाइम दैट वी कॉल एंड यस इट्स अ रिडल माउंट वेरी गुड इट्स रिडल माउंट माय डियर एंड दैट्स व्हाई इज नोन एज द बार्ड ऑफ रिडल माउंट बार्ड ऑफ रिडल माउंट बार्ड ऑफ रिडल माउंट राइट बार्ड ऑफ रिडल माउंट के नाम से जाने जाते हैं बार्ड ऑफ रिबल रिडल माउंट अब बार्ड ऑफ एवन आप जानते हैं शेक्सपियर को कहते हैं बार्ड ऑफ बंगाल किसको कहते हैं बार्ड ऑफ रिडल रिडल माउंट डियर। बार्ड ऑफ बंगाल किसको कहते हैं एल्टी ग्रेड में उनका नाम है आप जानते हैं और इट्स रिडल माउंट एंड रोहित अनुराग सरस्वती कनिष्क एंड राजकुमार एंड आरती पांडे एंड किरण निर्मल And, uh, ये जो है सारी चीजें आप कह सकते हैं एवरीथिंग इज क्लियर नाउ नाउम वर्ड्स अ ड्रामेटिक मोनोलॉग अ ड्रामेटिक लिरिक अ ड्रामेटिक एपिक नॉन ऑफ द बुक इनफैक्ट दिस क्वेश्चन इज वेरी कंट्रोवर्शियल अगर हम कमीशन की बात करें तो कमीशन इसको uh, क्या मानता है इसको ड्रामेटिक मोनोलॉग भी मान सकता है ड्रामेटिक लिरिक भी मान सकता है लेकिन अगर हम एम एच अब्रम्स को फॉलो करें तो ऑब्वियसली वी विल नॉट इट ए ड्रामेटिक मोनोलॉग ड्रामेटिक मोनोलॉग होता क्या इन फैक्ट इट वॉज परफेक्टेड परफेक्टेड एंड स्टार्टेड बाई रॉबर्ट ब्राउनिंग यू मस्ट है मोनोलॉग्स वर्ड्सो रूट ड्रामेटिक मोनोलॉग बट जब हम टेंटर नैवी की बात करते हैं जो ड्रामेटिक मोनोलॉग की सबसे बड़ी खूबी होती है एन इमेजिनरी स्पीकर स्पीक्स टू एन इमेजिनरी ऑडियंस जस्ट इमेज इन वै एम से दोनों ही काल्पनिक होते हैं पोएट मतलब साइलेंट ऑडियंस एंड द स्पीकर इज पेटेंटली नॉट द पोएट दिस इज द लाइन एक्चुअली मैं चौब्रम द ग्लॉसली ऑफ द ग्लॉसली ऑफ लिटरेरी टर्म्स तो अगर हम उसको फॉलो करें यहां पर जो हम ने भी पढ़ते हैं फाइव लॉन्ग विंटर्स एंड अगेन आई ईयर तो जब हम ये बात सुनते हैं तो अगेन वहां पर वो डरथी को एड्रेस भी कर रहा है वहां वो क्लियर हो गया है कि वर्ड ही ये बात कह रहा है और जब पोएट खुद आ जाए तो उसे ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं करेंगे ये कभी भी एग्जाम में जब आएगा कमीशन पे आप इस पर रिव्यू करा सकते हैं ये क्वेश्चन अगर आप कमीशन को मानेंगे तो ड्रामेटिक मोनोलॉग मानता है मैं इसको ड्रामेटिक लिरिक मानता हूँ और मेरी नजर में यही ड्रामेटिक लिरिक ही है बाकी अपनी अपनी पसंद है तो आप इसको ड्रामेटिक लिरिक की श्रेणी में जरिए हालांकि कमीशन ने इसको शायद एक बार ड्रामेटिक मोनोलॉग भी माना है हालांकि ड्रामेटिक मोनोलॉग के सारे लक्षण इसमें हैं आप कह सकते हैं अगर ड्रामेटिक लिरिक ऑप्शन में नहीं रहेगा तब आप जा सकते हैं लेकिन ड्रामेटिक लिरिक भी है तो मुझे लगता है कि ड्रामेटिक लिरिक सही होना चाहिए अब कमीशन कुछ भी कर सकता है आई एम नन टू से लेकिन मैंने पूरा कारण बता दिया कि क्यों ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं है ड्रामेटिक का मतलब एब्रप्ट बिगनिंग होती है ड्रामेटिक वे में हिस्ट्रियोनिक वे में मोनोलॉग मोनोलॉग मतलब सिंगल मोनो मोनोमीन्स सिंगल अ सिंगल पर्सन स्पीक सिंगल लॉग मतलब स्पीच होता है जहां भी लॉग लगा रहे चाहे वो जैसे जहां भी लॉग लगा रहे वो आप उसको स्पीच से कहेंगे चाहे डायलॉग हो चाहे जो भी हो तो आप कहेंगे लॉग जहां भी लगा रहता है अमूमन उसका मतलब यह रहेगा स्पीच से मोनोलॉग एक सिंगल पर्सन जो होता है उसमें speak, मतलब सिंगल पर्सन स्पीक तो ये ड्रामेटिक लिरिक है मेरी नजर में क्योंकि हालांकि इसमें सारे लक्षण हैं बाकी रेस्ट इज योर चॉइस एंड हु कॉल्स मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड और पोइट ऑफ टाइम एंड इटर्निटी की बात किया है उन्होंने और जॉन uh, मिल्टन को उन्होंने ऐसा कहा किसने कहा कि मतलब सिंग ऑफ टाइम एंड इटर्निटी हु अज स्किल्ड दैट ही कुड सिंग ऐसा उन्होंने कहा कि ही सो स्किल दैट ही कुड सिंग ऑफ टाइम एंड इटर्निटी और उसके बाद उनको कहा था तो बहुत मेलोडियस हैं वो ये हैं वो हैं अब नाम तो आपने सुना ही होगा और जब नाम आपने सुन लिया तो सब छिपाने की क्या जरूरत है ठीक है वेरी गुड इट्स नॉट अर्नल्ड माई डियर इट टेनिसन एंड मेनी ऑफ यू हैव गिवेन करेक्ट आंसर एंड ऑफ यू हैव ऑल्सो ऑप्टेड फॉर अर्नल्ड एंड दोज आर इन करेक्ट But many of you are correct. Majority of people are correct. Right? Very good. Good. तो ये टेनिशन ने मिल्टन के लिए कहा है अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ क्वालिफाइंग ऑब्जेक्टिव इज समाइम्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ पर्सन टू अ थिंग फ्रॉम वन वर्ड टू एन अदर विच इज विच डज नॉट स्ट्रिक्टली बिलोंग हालांकि ऐसे एक और फिगर ऑफ स्पीच में दो तीन दो फिगर स्पीच में होता है बट यहां देखते हैं क्या है टोनोमी ट्रांसफर्ड एपिथेड अपोस्ट्रॉफी एंड परसोनिफिकेशन तो यू मस्ट है यू मस्ट हैड एन आइडिया ये नाम तो सुना ही होगा इसका और नहीं सुना होगा तो एक और नाम से जानते हैं इसको इसको हम हाईपालिसी भी कहते हैं क्या कहते हैं हाईपालिसी जैसे अगर हम टेंशन टी एस एलियट का अगर हम पोएम देखें वेस्टलैंड द फॉगेटफुल स्नो स्नो इज फॉगेटफुल अब वहां पर इस तरीके की बात का या uh, sleep, मतलब आई स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट इस तरीके से बात या द कर्फ्यू टॉल्स द पार्ट इन डे एंड लोइंग हर्ड लुइंग प्लाउ मैन प्लॉट्स इज वेरी वे इस तरीके का जो है द प्लाउ मैन प्लॉट इज वेरी वे रास्ता नहीं थका हुआ है द प्लाउ मैन थका एड्जेक्टिव को ट्रांसफर कर दिया जाना या हाइपोलॉजी का उदाहरण होता है ना तो दिस इज कॉल्ड हाइपोलॉजी इवन ट्रांसफर्ड एपिथेट ट्रांसफर्ड का मतलब होता है बदल दिया जाना क्या बदल दिया जाना एपिथेट का मतलब होता है एडजेक्टिव एडजेक्टिव का बदल दिया जाना ना तो वो जो है वहां पर ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है ठीक है द प्लाउ मैन प्लॉट इज वेरी वे बेहतरीन उदाहरण आप कहें द प्लाउ मैन प्लॉट इज वेरी वे री वे यहाँ पर जो ये रास्ता नहीं थका हुआ है बल्कि यहाँ पर ये थका हुआ है प्लाउमैन थका हुआ है एडजेक्टिव को ट्रांसफर कर दिया गया है तो आप ये कह सकते हैं ठीक है माईडियर तो ट्रांसफर्ड एपिथेट इसी को कहते हैं दिस इज ऑल्सो नोन एज हाइपालोजी क्या कहते हैं इसको दिस इज इस ऑल्सो नोन एज हाइपालोजी माइडियर ठीक है हाइपालोजी आप सुने होंगे मैंने बताया है नेम द पोएम फ्रॉम विच द फॉलोइंग वर्ड्स है

वन लेशन फ्रॉम वर्नल वुड कैन टीच ऑल देन ऑल द सेजेस कैन लाइन यू ओ टू ड्यूटी द उस्टर्न डॉटर एंड लॉड एमिया तो माई डियर यहाँ पर मुझे लगता है कि आपने सही आंसर दिया है आप में से बहुतों ने सही आंसर दिया है और ये अच्छी बात है यहाँ पर करुणा सरस्वती अनुराग उदेश वंदना शीनू रेखा एंड वंदना चांदनी मंजू ज्योति बहुत अच्छा से आप पढ़ रहे हैं आप लोग ठीक है लॉडेमिया इट्स अ नरेटिव फोएम राइट My dear, very good. Pretty good job is being done by you all. Hige Partha, no matter from your Bengal. In fact, you, we all are from India, right? Bengal is Bengal is also the part of India. So, uh, uh, Bengal is I love Bengali people. Bengalis is as gulas and so many things. And one of my friends is also Bengali, right? And we are very close friends, right? cho ठीक है गार्जोर्दी बिलोंग्स टू अगर हम बाल गार्जोर्दी की बात करें बिलोंग्स टू तो अगर हम बात करें इनकी आ, अगर हम इनके लाइफ स्पैन की बात करें आ, तो लाइफ स्पैन अगर आपको पता है तब यू कैन डू दैट वेरी इजिली ना यू कैन डू दैट वेरी इजिली ये लाइफ स्पैन मैंने गलत लिख दिया क्या आ, डेथ तो नाइनटीन में ही हुई थी क्योंकि नाइनटीन टाइनटीन में इनको नोबेल मिलता है हाँ उसके बाद डेथ हुई थी इनकी ये नोबेल प्राइज़ था ठीक है तो ठीक है मुझे लग रहा है ठीक है अगर कोई दिक्कत होगी तो करेक्ट भी कर लीजिएगा ऐसा नहीं है कि सारे फैक्ट्स मैं भी इंसान ही हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं कंप्यूटर का फीड है ऑलरेडी हो जाता है कभी कभी बट मुझे लगता है कि आई एम करेक्ट बट देन टू और ये गाल एक बड़ा नाम है गालसवर्दी भी पढ़ सकते हैं आप लेकिन जो मैंने ऑथेंटिकली पढ़ा है वो गाल है बाकी आप कुछ भी पढ़िए अब आपको वैसे भी पता चलेगा उन्नीस के बाद क्रॉस कर देते तो बी ट्वेंटी सेंचुरी के आ जाएंगे तो ये तो आसान सा सवाल था इट जस्ट क्वेश्चन डियर राइट और थैंक यू uh, कुशुम होता क्या है ना इनफैक्ट इतने सारे राइटर्स होते हैं और एज अ राइटर एज अ स्टूडेंट मैंने कभी गालजोर्दी को नहीं पढ़ा टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी इनफैक्ट टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट एज अ स्टूडेंट आई हैव नेवर स्टडीड हैदी बिकॉज इट वॉज नॉट प्रस्क्राइब इन ऑल अव यूनिवर्सिटी सो आई नेवर स्टडीड मैं आई वॉज स्टूडेंट ऑफ ट्वेंटी लिटरेचर तो मैंने ये पढ़ा ड्रामा तो पढ़ा नहीं तो मैंने पोइट्री पढ़ी थी और उसमें गलजोरी थे नहीं तो मैंने पढ़ा नहीं टू बी वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट और आपको पढ़ाने के लिए पढ़ा <laughs> ये भी है एक सच तो ये भी है Who said the following lines? How poor are they that have not patience? कितने अशहाय हैं वो लोग जिनके पास धैर्य नहीं होते मेरी तरह वट वट डिड एवर हील बेट बाई डिग्री हाँ ठीक है दुनिया में जो घाव पूरे हो भरते हो केवल धीरे धीरे भरते हैं अचानक नहीं भरते ना टाइम हील्स एवरी ऊंड कहावत तो अच्छी लगती है बट यू नो मतलब कुछ लोगों का वैक्यूम जीवन में हमेशा रहेगा वो टाइम डज नॉट ही टाइम कैन नॉट हील ईच एंड एवरी उन्ड देर आर सर्टेन ऊंड उसका क्या कहते हैं उसके इस uh, सिकट्रिक्स जो होते हैं वो वो पड़े रहते हैं उसके निशान पड़े रहते हैं तो यू कैन नॉट टाइम कैन नॉट हील ईच एंड एवरी उन्ड हाँ हम कर सकते हैं ना मैन मे कम मैन मे गो बट आई गो फॉर एवर माई डियर हाँ तो ये कौन कहता है एक्ट टू सीन थ्री एक्ट टू सीन थ्री आई इयागो आई इयागो इज अ नॉवेल बता दे रहा हूं आई इयागो इज अ नॉवेल किसने लिखा है मैंने अभी हाल ही में बताया था आई यागो अ नॉवेल रिटर्न बाई ये नेट का सवाल है इसको आप सर्च कर लीजिए आप सर्च इसलिए आपसे करवा रहा हूं आप सर्च करेंगे तो कुछ और सीखेंगे मैं बता दूंगा तो और ये पीजीटी में नहीं आएगा इसलिए नहीं बता रहा हूं बट आई इज नोबेल कल बताया था निकोल कैलेंट राइटर ठीक है कोई बात नहीं हम्म किसने जलाई बस्तियां बाजार क्यों लूटे मैं चांद पे गया था मुझे कुछ पता नहीं नहीं, नहीं पता है तो कोई दिक, बहुत दिक्कत नहीं लेकिन नेट अगर देने जा रहे हैं तो पता कर लीजिएगा हाँ कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि आप नहीं पता करते तब दिक्कत हो जाती है एनिमल डू द द लॉर्ड्स ऑफ फॉरेस्ट किल अब ये जैक्स आता कहा आप पहले बता दो हाँ? आपको पता है ना एंड एंटीलोप an ये जैक्स मेलकोलिक जैक्स जो है कहां का कैरेक्टर है ये बताइए क्योंकि ये अगर आप नहीं बताएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ठीक है एक मेच्योर कॉमेडी की श्रेणी में आता है एज यू लाइक इट का नाम तो सुना ही होगा तो ये जो है यस अनुपमा यूर करेक्ट थैंक यू तो ये जो है माय डियर हम देखें अगर तो किसको मारते हैं लोग यहां पर uh, करुणा वर्मा थे आई थिंक इज करेक्ट एंड यस वेरी गुड उपासना इज आल्सो करेक्ट इट्स अ डियर माय डियर हाँ ठीक है अच्छा ये आपका होमोफोन्स भी आ सकता है एक तो डियर आएगा एक तो डियर आएगा तो दोनों में आप जानते हैं ना डियर डियरनेस का एक डियरनेस होता है डियरनेस का मतलब महंगाई भत्ता होता है होता ना डीए होता है ना डियरनेस अलाउेंस होता है तो ये होता है डियरनेस डियर डियर ये जानते हैं ठीक है हाँ डियर एंड डियर डोंट ड्रिंक बियर राइट

अच्छा लगता है कहानी आप पढ़ेंगे तो बड़ा यो याकिमो वाला जो प्रकरण है और बड़ा अच्छा है फिडेली वाला ये जो तो सिम्बलिन जो वहाँ का राजा रहता है तो उसकी पत्नी का नाम क्या था क्रैसिडा सी इज नॉट रिफर टू बाई नेम यूरोफिल अब यूरोफिल का मतलब फिल का मतलब लव होता है जहाँ भी होता है यूरो हैप्पीनेस से होता है तो हिस्फीरिया ऐसा कोई नाम तो मैंने सुना नहीं तो आप ये कह सकते हैं कि Uh, क्या कर सकते हैं माइडियर ऐसा नाम क्या होता है आप बताइए और बड़ा मज़ा आएगा आपको बताएंगे क्योंकि अच्छा सवाल है और ये मुझे आंसर मिला है मंजू गंगवार का रेनू चौधरी का मिला है और रजनी शर्मा का मिला है किरण का मिला है प्रदीप का मिला है रेखा शाक्या का मिला है और अर्चना ठाकुर इज आल्सो सिंग इट्स नॉट मेन्सनड एंड आई वुड लव टू गो विद अर्चना ठाकुर एंड ऑल द दब और मेनी ऑफ यू इनफैक्ट ऑल ऑफ यू हैव इज हियर आर्ट क्राफ्ट एंड ये बड़ा भयानक नाम है तो ये क्राफ्ट एंड क्राफ्ट बोथ और डिफरेंट थिंग्स एंड यू मस्ट नो देखो आपके पास क्राफ्ट होना चाहिए इंसान को क्राफ्ट ही नहीं होना चाहिए क्राफ्ट ही क्राफ्टी का मतलब होता है स्लाई स्लाई का मतलब आप जानते हैं स्लाई का मतलब होता है वाइली वाइली का मतलब आप जानते हो वेक्शन टाइप का जो व्यक्ति होता है फॉक्स टाइप का जो होता है वलपाइन जो होता है वलपाइन वालपाइन ना चालाक धूर्त जो होता है तो मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ मीनिंग बता रहा हूँ ये आ गया तो वाट लगा के रख देना आप लोग दरअसल एग्जाम मतलब टेकिंग एन एग्जाम इज ऑल्सो एन आर्ट और जो जान गया वो सफल हो गया कई बार आप देखते हैं कि आपसे कम पढ़ा था लेकिन वो सफल हो गया मतलब वो शिवखेड़ा की लाइन आप याद करिए विनस डु, विनस डोंट डू डिफरेंट थिंग्स शिवखेड़ा साहब की लाइन है और शिवखेड़ा साहब को जब मैं आई बी ए आई थिंक आई कंप्लीटेड माई बी एन आई टू रीड दैट स्टोरी यू कैन विन आई थिंक यू कैन विन में उन्होंने लिखा कि हर आदमी चाहता है कि मतलब भगत सिंह पैदा हो लेकिन मेरे घर में ना पैदा हो मतलब पड़ोसी के घर में पैदा हो तो वो ये वाला कॉन्सेप्ट हटाना पड़ेगा उन्होंने उसी में लिखा है कि एक लाइन लिखी विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स दे डू थिंग्स डिफरेंटली जितने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं वो उसी काम को अलग ढंग से करते हैं तो आई थिंक इट्स वेरी गुड देखो दुनिया में ऐसे लोगों को दोज यू कैन नॉट बी इन द लिस्ट ऑन द लिस्ट तो अवॉइड देम ठीक है दे आर जस्ट डिमोरलाइजर और एक टॉक्सिक लोग होते हैं जो आपको कहते हैं कि तेरे बस का नहीं है क्यों भाई तेरे बस का होगा क्योंकि तूने पेटेंट करा लिया है क्या ऐसा क्यों नहीं है गॉड हैज गिवन गिफ्टेड गिफ्टेडो मी बिथ द सेम कैलिबर काट वी हैव टू डू आई हैव टू वर्क हार्ड उस युद्ध में तुम भी लड़ो हम भी लड़ते हैं जो जीतेगा वो सिकंदर कहलाएगा जो हार गया तो क्या हुआ द फील्ड बी लॉस्ट सैटन होके सैतान होके कह सकता है कि द द फील्ड लॉस्ट ऑल इज नॉट अनकॉम्पोरेबल बिल हम मनुष्य होके नहीं कह सकते बी अमन बींग और अभी जानते हो मतलब जो होता ना वो बम्बल बी वाली स्टोरी मैंने सुनाई रही होगी आपको आपको बम्बल बी की कहानी अगर सुननी है क्या है तो मैंने किसी वीडियो में बताया है अगर यहां पर बताऊंगा तो फिर वो दैट विल बी अ टाइम किलिंग सम अदर डे अदर टाइम आई लेट यू अगेन लेट यू नो अगेन बट टुडे इतना ही काफी है ठीक है व्हाट काइंड ऑफ एलर्जी इज नॉट थ्र थर्सिस किस प्रकार की एलर्जी है अर्थर्डक् उन्होंने अपने फ्रेंड पे लिखी थी 1865 के आसपास लिखी थी कि उनका दोस्त डूब के मर गया था 42 साल की उम्र में 1861 68 के आसपास डेथ होती है फिर 1865 में एलर्जी आती है और कन्वेंशनल एलर्जी है क्लासिकल एलर्जी है पेस्टोरल एलर्जी है हीरोइक एलर्जी है आई थिंक आई विल नॉट कीप यू लॉन्ग ऑन दिस बिकॉज़ यू बेटर नो दिस ठीक है ठीक है एंडो यस इट्स

स माईडियर आई एम वेरी हैप्पी दैट यू ऑल और देखो रातों के बिना जगने नहीं जगने आपके रियलिटी को तब्दील करना है तो यू विल है आप खूब पढ़ते रहिए जितना पढ़ते रहिए द मोर यू नो एक बात जान लो द मोर यू नो द लेस इट इज जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा ठीक है बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौक पड़ेंगे एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा ठीक है ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा तो ये कांटों भरा बिस्तर बनाए हैं तब आप गुलाबों के फूल मिले ये फूल बशीर बशीरभद्र कहते हैं ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला मैं मोम हूं उसने मुझे छू नहीं देखा तो ये थोड़ा सा आप ना पत्थर बन जाइए कब ने सौ दिन सौ दिन अपनी जिंदगी की सबसे बेस्ट बेस्ट पढ़ाई कर जाइए डोंट वेस्ट योर टाइम आप एकदम स्टूडियस बन जाइए नर्ड बी नर्ड आप नर्ड बन जाइए एकदम नर्ड बन जाइए बुकवम बन जाइए एक एकदम किताबी कीड़ा बन जाइए बेस्ट पढ़ाई पढ़ डाली अपनी जिंदगी की मोबाइल ले सब बंद कर दो जो होगा देखा जाएगा ना डैम द कॉन्सिक्वेंस लीव दैट लेकिन सौ दिन अपना अपना काम जो आपके हाथ में वो तो करिए ना तो फिर आप वो भी नहीं करना चाहते डर रहे हैं मेरे पास आज बहुत मैसेज आए छप्पन मैसेज आए हैं कम से कम अभी मैं, मैं काउंट नहीं कर पाया हूं तो छप्पन मैसेज में अड़तीस उनचालीस का यही सवाल है कि सर सीट बहुत कम है कैसे होगा मेरा अरे भाई जिसका होगा वो भी तो तुम्हारे जैसा ही है कि उसके पास यहां सींग लगी है वो भी उतना ही पढ़ रहा है एप्पल का मतलब चाहे लंदन में से पढ़ो चाहे अलाहाबाद में से पढ़ो चाहे लखनऊ में चाहे मुंबई में चाहे बंगाल में एप्पल का मतलब तो से भी होगा ना तो सब लोग पढ़ो जो ज्यादा बेहतर पढ़ेगा जिसका वहां ज्यादा अच्छा मतलब एलिमिनेशन थियरी काम करेगा जिसका माइंड बहुत साउंड और कूल रहेगा अच्छा परफॉर्म करके आएगा और होना तो आपको भी तो ये पता ना कि होंगे तो पाँच सौ ग्यारह ही ना यार तो उसमें डरने की क्या बात है लेकिन बेहतरीन प्रयास ना करें मतलब इस डर से कि मेरा इतनी कम सीट है ऐसा नहीं है आई स्टिल रिमेंबर कि मतलब मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो कह रहे थे कि उनका नहीं होना है तो मैं कॉफ़ी पी रहा था उन्हीं के साथ में कहा घबराओ मत तो रिजल्ट तो आने दो और उनका हुआ था और ठीक ठाक रैंक के साथ हुआ था और मेरे स्टूडेंट है नाउ दे आर वेरी और एक ने तो कह दिया सर मैं भाई मथुरा से लौट आया हूं एल टी ग्रेड दे के कहा था बहुत ख़राब हो गया पेपर गुरुदेव माफ़ करना मैं हमने कहा कोई बात नहीं बेटा लेट द रिजल्ट कम आउट और रिजल्ट आया तो उसका आखिरी से दूसरे नंबर पे हो गया था तो ऐसा नहीं है आप मेहनत करिए बस जो काम आपके हाथ में है जो काम आपके हाथ में वो आप बेस्ट करिए देखो जो चीज आपके हाथ में उसको आप करिए इन विच प्ले डज हरमियोन अपियर एज द हीरोइन टाइम ऑफ एथेंस फेरिकली सिंबली इन द विंटर स्टेल इन चीजों में एक चीज कॉमन है कोई बता सकता है मुझे कॉमन कह ये नहीं एक चीज नहीं कॉमन है hmm. तीन चीज कॉमन है कोई बात नहीं तो इसके कहां पर आती है ये आपको बताना है ठीक है ये भी समस्या लेक्चर कैसे देखोगे जब लेक्चर देखना है तब तो खोल लेना ना यार इट्स अ कॉमन सेंस विच इज वेरी अनकॉमन इन इंडिया राइट हाँ ठीक है मैनी ऑफ यू हैव गिवन करेक्ट आंसर लेकिन बड़ा ये भी समस्या है ना सर फिर आप हम लेक्चर कैसे देखेंगे बड़ा अजीब सवाल है भाई लेक्चर के समय खोल लेना ना लेक्चर के समय कहें कुछ लोग होते ना सर मैं दो मिनट के लिए मोबाइल खोलता हूं दो मिनट खोलने के लिए दो घंटा चार्ट डालते हैं उन फ्रेंड्स को क्या अच्छा ये बताओ तुमने क्या पढ़ा तुमने पढ़ा क्या कि लैमिया किसने लिखा है तो कहा लैमिया तो किट्स से लिखा है तुमको तो कुछ नहीं पता लैमिया तो इन्होंने लिखा है अरे भाई लैमिया किट्स ने किट्स ने लिखा है ये मैं जानता हूं अब आप खोगे ऐसा उसको कंफ्यूज कर रहे हो आप खुद पढ़े उसको कंफ्यूज ये ऐसे फ्रेंड्स से अवॉइड करिए टॉक्सिक पीपल से अवॉइड करना आपको ठीक है तो ये हो गया माय डियर आज कुछ बातें ज़्यादा इसलिए हो गई क्योंकि आज शुरुआत भी गड़बड़ हो गई मतलब टेक्निकल वजह से और आज मेरे पास इतने मैसेज आए हैं उन लोगों को जिनकी ये समस्या है कि सर इतने कम सीट में क्या करेंगे कई जिनको फीमेल मेल में डालें कि फीमेल में डालें तो मैंने जो अपने हिसाब से बता पाया बिच पोएम ऑफ किड्स इज मॉडल डॉन मिल्टन नेमिल पर आधारित है और उसको बाद में उन्होंने अबेंडन कर दिया किस लिए बिकॉज इट वॉज टू मच मेल्टॉनिक इट वॉज़ टू मच मेटॉनिक हाईपीरियन अ फ्रेगमेंट डी मियान की बात करें तो अगर एंडी मियान की बात करें हम तो एंडी जो है एक बड़ी नैरेटिव बड़ी उमदा पोईम है और अगर हम बात करें एंडी मियान की तो इसके बारे में बहुत तो, इन्होंने ये कहा था कि अटेम्प्ट देन uh, ये बहुत पूछता किसके बारे में कहा अ फीवरिस नट लेना रट लेना पीजीटी वालों बता दे अ फ्री फीवरिस अटेम्प्ट इट हैज बीन डिस्क्राइब बाय किड्स एज ए फीवरिस अटेम्प्ट देन अ डीड्स अकॉम्प्लिश्ड देन अ डीड अकॉम्प्लिश्ड अकॉम्प्लिश का मतलब कंप्लीट होना पूरा होना इसी के बारे में कहा गया है किसके बारे में कहा गया है गलती से हाइपेरियन मत मारना यह कहा गया है इंडिमियान के बारे में समझ रहे हैं कि नहीं और लैमिया के बारे में क्या कहा है लैमिया के बारे में किड्स ने अपने भाइया को लिखा किड्स रोड टू तो हिज ब्रदर जॉ जा, जॉर्ज किड्स रोड टू तो हिज ब्रदर जॉर्ज हिज ब्रदर जॉर्ज किड्स ब्रदर माय डियर हेलो ब्रदर ब्रदर जॉर्ज किड्स को लिखा जॉर्ज को लिखा क्या लिखा कि इस पोएम में इस्लामिया में लैमिया में क्या है आई थिंक इट हैज अट ऑफ फायर इन इट इट हैज अट ऑफ फायर अट ऑफ फायर इन इट अ शॉर्ट ऑफ फायर इन इट फायर इन इट तो ये बात कही उन्होंने तो आप ये भी लाइन रट लेना की कि यह किसके लिए कहा था इन ओ, लिखने में दिक्कत हो जाती है लाइट है नहीं गर्मी आप देख पा रहे हैं टी शर्ट से पसीने निकल रहे हैं कोई बात नहीं यू विल कम विथ फ्लाइंग कलर ओनली बाई द स्वेट ऑफ योर ब्रो अब कहोगे स्वेट ऑफ ब्रो क्या है गूगल कर लो स्वेट मैंने पसीना ऑफ योर ब्रो स्वेट ऑफ ब्रो वन सक्सेड ओनली स्वेट ऑफ ब्रो जस्ट से तुलसी हाँ मैं तुलसी तेरे आंगन की तुलसी का बोटेनिकल नेम होता है ओसिमम सैंगटम क्या होता है ओसिमम सैंगटम ओसिमम सेंगटम ओसिमम सैंगटम तुलसी का बोटेनिकल नेम है इसलिए बता रहा हूं कि इस, इस नाम की एक दवा आती है होम्योपैथी में आती है जो सर्दी जुकाम ज्यादा रहता है तो बीस बीस बूंद लेके पीता हूं मैं खुद भी कोई दिक्कत नहीं ठीक है माइडियर जी संजय हाँ गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में वो तिफ् क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले अच्छा जो घोड़ी की सवारी नहीं करेगा वो गिरेगा कर कहाँ तो अब मैदान में कूद गए तो कूद गए और जब मैं आर्मी में भर्ती हो ही गया हूँ तो बंदूक तो चलाऊंगा ना आए चाहे ना आए विच हिस्टोरिकल इज डिटैनिशन बिलोंग टू ऑबली इट्स क्वेश्चन आई विल नॉट कीप यू लॉन्ग बिकॉज ये आप जानते हैं विक्टोरियन एज के हैं तो कोई बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत जैसी चीज नहीं है तो आई विल नॉट कीप बिलोंग ऑन दिस दिस इज इजिएस्ट क्वेश्चन माइडियर एंड किंग कॉफ हिट हुआ इज अ कैरेक्टर इन सब टेनिशन का है और सर गाला है बेगर मेड द स्लीपिंग ब्यूटी द ड्रीम ऑफ फेयर इवेंट अब किसमें हम आता है ये हमें आपको बताना है ये पीजीडी का सवाल है और ये पीजीडी का सवाल क्या है माई डियर हम सवाल क्या देते पहली बार चाँद को बोलते देखा हम सवाल क्या देते जवाबों में वो लचके रहेगा हम हम जवाब क्या देती सवालों में ही उलझ के रह गए ठीक है माय डियर? तो ये जो है माय डियर, नो फियर टिल आई एम हियर एंड इट इज द वेगर मेड ठीक है ठीक है माय डियर? ये एक आप कह सकते हैं एक टेनिशन की uh, गॉड दिस इज दिस गॉड पब्लिश इन 1843, फोर्टी थ्री दैगर मेड टेनिशन आप ये कह सकते हैं और ये थोड़ा सा टफ सवाल भी था इन विच चैप्टर ऑफ कल्चर एंड अनार्की डिज्मेश तमाम शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने उसमें कर्नल मैंने बताया था शारिजम इज चैप्टर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड इट्स फोर ठीक है आई नॉट की

और अर्थर uh, हेनरी अब आप समझ गए अर्थर ह्यू क्लब लिखा गया था अर्थर हेनरी क्ल अर्थर ह्यू पे लिखा था हेनरी पर नहीं और ये क्या था पेस्टोरल जी का था थशिश थरिशिस था ये इट वॉज माय डियर और ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है इट वॉज थ वेरी गुड डियर वेरी गुड मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन करेक्ट आंसर इट्स नॉट इज कॉल्ड जिप्सी डियर धर्मेंद्र इट्स नॉट इज कॉल्ड जिप्सी

द सॉन्ग ऑफ़ द कोल्ड ये तो मुझे नहीं बताना चाहिए क्योंकि आ, ये तो मुझे नहीं बताना चाहिए और मुझे लगता है कि ये आपको पता भी होना चाहिए ये मुझे बिल्कुल इसलिए नहीं बताना चाहिए क्योंकि ये ईजिस्ट है और उनका पहला प्यार तो यही था ठीक है पोएम्स ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट नाइनटीन जीरो वन ठीक है टॉमस हार का है और बात करें व्हाट इज़ लॉरेंस लॉरेंस मतलब डीएच लॉरेंस की बात है वो अब सिलेबस में है नहीं बट ठीक है डी एच लॉरेंस

बैरियल ऑफ डेड गेम ऑफ चेस फायर सरमन डेथ बाई वॉटर said. कभी-कभी आपके एग्जाम में भी सवाल आ सकता है द थंडर सेट तो आप कहेंगे थंडर सेड दा दा दा, दत्ता ठीक है? तो वो जो है चैरिटी सिंपथी सेल्फ स्यंप कंट्रोल तो ये जो है आप जब दादा दा की बात करेंगे सेड बृहदारण उपनिषद की बात आती है ये ध्यान रखना है हिमवंता और शांति 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 से खत्म होता है शुरू होता है अप्रैल इज द्रुएलेट मंथ और बाकी आप जानते हैं शॉर्टेस्ट सेक्शन लॉन्गेस्ट सेक्शन यही पूछा जाएगा और क्या पूछा जाएगा ठीक है और तो सब आप जानते हैं आप लोग खुद इतने अच्छे लोग हैं बताइए ठीक है प्ले चुआ एक्सपोज द स्ट्रेन एंड स्ट्रेसेस ऑफ अ वन मैरिड अ स्टूडेंट कंप्लीटिंग हिज एजुकेशनल करियर इट्स करियर नॉट कैरियर दे आर टू थिंग्स कैरियर कैरी मीन्स ले जाने वाला गुड्स कैरियर ट्रक जो सामने दिखते हैं उसमें लिखा रहता है गुड्स कैरियर सामान ले जाने वाला ढोने वाला साइकिल में जो होता है कैरियर होता है जीवन का जो क्रम होता है जीवन में जो आप करियर होता है इट्स माई करियर इट्स अ मैटर ऑफ माई करियर एंड यू आर ऑल बिजी मेकिंग योर करियर तो योर आंसर इज दिस राइट माई डियर योर आंसर इज दिस एंड आप कह सकते हैं प्ले इन थ्री एक्ट पब्लिस इन नाइनटीन जीरो नाइन आन प्ले का नाम आपने सुना ने? किसने लिखा है ये बताइए ठीक है हुन द्ले जॉय एंड इन हाउ मेनी एक्ट अ वेरी पॉपुलर फिल्म वॉज बेईड ऑन हाँ द सेम नेम पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले यही गाना है क्या इसमें गाइड नाम की मूवी आई थी बेटिंग फॉर महात्मा मालगुड गाइड गांधी मिस्टर गांधी तो ये जो है गाइड पॉपुलर फिल्म द नॉवेल्स ऑफ के नारायण ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स आप बात करें तो इसको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था ना और इसको बाद 1960 में साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिलता है ठीक है माइडियर वेरी गुड गाल जोरदी की है थ्री एक्ट है वेरी गुड सब लोग अच्छे हैं सबको मालूम है और सबको खबर है हाँ तो ये मूवी अच्छा देखी इसमें एक कैसे देवानंद साहब की एक्टिंग है वहीदा रहमान साहिबा हैं तो ये सब एक्टर तो वही लोग होते थे आजकल के तो एक्टर ऐसे होते हैं जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है एक्टिंग देखना हो ना hmm. एक्टिंग देखनी हो तो इरफान खान अब रहे नहीं इरफान खान की एक्टिंग देखिए एक्टिंग देखनी हो तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी देखिए एक्टिंग देखनी तो मनोज बाजपेयी की देखिए एक्टिंग देखनी हो तो मतलब मुझे जो पसंद है मनोज बाजपेयी की एक्टिंग देखनी हो तो आशुतोष राणा की एक्टिंग देखिए वो लगता है एक्टिंग देखनी हो तो राजपाल यादव की एक्टिंग देखिए ये सब एक्टर लगते हैं कि सही में बाकी तो सब पे थोप दी गई है एक्टिंग ठीक है कि नहीं और पर्सनली आप देखिए उन लोगों का चाहे शाहरुख खान इज आल्स वेरी गुड एक्टर और मैं आई नॉट वो तो बड़े स्टार हैं मैं बता रहा हूँ जैसे इरफान खान नवाजुद्दीन सिद्दीकी और ये मनोज वाजपेयी आशुतोष राणा इतने राजपाल यादव मेरी नजर में बहुत बड़े एक्टर हैं लोग ये सही में एक्टिंग करते हैं फॉलोइंग स्वामी एंड फ्रेंड्सर ऑफ आर्ट आल द्री आर रिटन बाई आर के नारायण एंडल बखा वाला कहानी आप जानते हैं मल्कराज आनंद को इसको पब्लिश करने में बड़ी मशक्कत झेलनी पड़ी गांधी जी के रिकमेंडेशन के बाद काफ़ी चेंजेस के बाद इन्होंने पब्लिश किया और इसमें अनटचेबिलिटी के बारे में बताया गया था अनटचेबिलिटी हमारा संविधान जो है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में ये उन्होंने बड़ा सोच समझ के बनाया बहुत इंटेलिजेंट रहे होंगे वो ऐसा नहीं है मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ज़्यादा सोच लिया बहुत इंटेलिजेंट तो थे ही मान लो बहुत ज़्यादा फार साइटेड थे दूरदृष्टि थे आर्टिकल नंबर 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, छुआछूत का निषेध करता है और जब कुदरत ने बक्सी थी हमें एक ही धरती हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया तो ये जो है ये कॉन्सेप्ट जो है पीपल आर डिवाइडेड इन द नेम ऑफ कास्ट खरीद रिलीजन कलर एंड दैट्स वाई वी आर स्टिलेशन ऑफ कास्ट नाम की किताब का भी मौका में मैं खुद नहीं पढ़ पाया हूं पूरी कुछ कुछ उसके एक्स्ट्रैक्ट पढ़े हैं वास्तव में बहुत ही मूविंग था इट वॉज मूविंग हु द फेमस राइट शिव के कुमार कमलादास पंडित कुमारा का नाम तो आपने सुना ही होगा तो बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है मुझे और ये नाम आपने तो सुना ही है तो आप उसमें और इट कॉट पब्लिश ओनली नाइनटीन सिक्सटी इन द कलेक्शन ऑफ द अनफिनिश्ड मैन ठीक है अनफिनिश मैन में हुआ था ठीक है कोई दिक्कत नहीं है कमला दास भी आप पढ़िएगा वट फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज आई स्टेटमेंट इज मेड इन फैटिक बाई ओवर यू ओवर स्टेटमेंट अपोस्ट्रॉफी हाईपर बली पर सोनिफिकेशन एंटी थीस इज ऑबसली बली एंड आई नॉट कीप यू लॉन्ग ऑन दिस टू राइट हाईफर बली आप उसको हाइपर वोल पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं दैट इज योर प्रॉब्लम नॉट माइंड सो आई नॉट कीप यू लॉन्ग और अब हमारा पोर्शन आ गया ग्रामर का हम ग्रामर देखते हैं बिकॉज ऑफ हिस केयरलेसनेस ही कुड नॉट अचीव हाई मार्क्स दो ही हैड इंटेलिजेंट सेंटेंस कोई सेंस कम बनाते हैं या दो चीज़ों से सही किया जा सकता है या तो हम यहाँ पर हेड के स्थान पे आ, दो या तो हम हेड के स्थान पे वॉस कर दें या तो हम इंटेलिजेंट के स्थान पे इंटेलिजेंस कर दें मतलब अगर हम हेड नहीं हटाना चाहते तो यहाँ इंटेलिजेंस जो वॉच कर देते हैं यहाँ पर ज़्यादा सही है दैट विल मेक सम सेंस द लेफ्ट द लेफ्ट बिफोर Oh, दा होगा ही लेफ्ट बिफोर कंप्लीस ऑफ द वॉक बिकॉज दे द नहीं होगा दे लेफ्ट सॉरी ये टाइपिंग एर है द लेफ्ट बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वॉक बिकॉज दे वर इन अरी टू गो तो माई डियर यहां जब हम पास्ट ऑफ पास्ट की बात करते हैं तो पास परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं दे हैड लेफ्ट बिफोर हाँ द पेशेंट है डॉक्टर केम नहीं पड़ा है तो बताने की क्या जरूरत है द पेशेंट है डाइट बिफोर द डॉक्टर किम गांव वाले जब आप 10 11 में पढ़ रहे होंगे तो अगर आप साइकिल से पढ़ने जा रहे होंगे रास्ते में कभी आपकी साइकिल पंक्चर हो गई होगी जैसे हम लोगों की हुई थी तो बगल में एक शर्मा जी थे वो पंचर बनाते थे दुकान हमारे यहाँ उनके यहाँ जब हम लोग रुकते थे साइकिल बनवाने के लिए वो पढ़े लिखे थे इंटर तक तो पास ही थे तो अच्छा अंग्रेज़ी लिए हो तो बच्चा हाँ लिए हैं वो यही सवाल पूछते थे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया था इसका अनुवाद बताओ ठीक है इस तरीके के सवाल पूछते हैं तो आपने वो पढ़ा होगा तो यहाँ पर दे हैड लेफ्ट हो जाएगा ठीक है मूविंग टू द नेक्स्ट वन इफ यू फाइंड दैट यू कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम यू यू हैव कंसल्टेड अदर्स इन द ऑफिस अब तो इसको दो तरीके से यू हैड कैसे हो सकता है यहाँ यू फाइन प्रेजेंट में है यू शुड कंसल्ट होना चाहिए हैड कंसल्टेड क्यों होगा इट शुड भी यू शुड कंसल्ट राइट यहाँ पर प्रॉब्लम है इन द ऑफिस यू शुड कंसल्ट राइट

ये भी आवाज़ रहेगा ठीक है मैडियर ऑलमोस्ट एवरी थिंग इज ओके एंड आज का सवाल देख लेते हैं, हैंस्ट uh, देखो शुरुआत भले मैंने देर से करी मेरा आज जल्दी इसलिए कर दिया क्योंकि मैं शुरू से दस मिनट लेट हो गया गड़बड़ की टेक्निकल ग्लिच की वजह से और ऊपर से ये बम्बल बी की कहानी बताने लगा वो जरूरी है मतलब अब बम्बल बी की कहानी भी बता देता हूँ तब कहानी क्योंकि अभी दस मिनट है मेरे पास बम्बल बी बम्बल बी भौवरे ने खिलाया फूल और फूल को ले गया राजकुमार ये जो बम्बल बी होता है माइडियर एक प्रकार का जिसको हम कहते हैं भौवरा ठीक है हम भौरा जानते हैं ना ये मान लो ये भौवरा ये भौवरा है साहब भौरा जो फूलों का पराग चूसता है तो भौरे के बारे में एक कहानी कहा जाती है एरोडाइनेमिक्स विज्ञान की एक शाखा है जिसको कहते हैं एरोडाइनेमिक्स एरोडाइनेमिक्स के अकॉर्डिंग अब बम्बल बी कैनोट फ्लाई बिकॉज इट्स विंग्स और मच स्मॉलर इन कंपेरिजन वेट, इसके वजन से इसके पंख छोटे होते हैं तो विज्ञान एरोडाइनमिक्स, जो वायु गति की नियम है जो जिससे एरोप्लेन उड़ता है वो ये कहता है कि बम्बल भी नहीं उड़ सकता है फिर भी हमारे पास क्या रिजल्ट है बम्बल बी फ्लाइज, मत भौरा उड़ता है पर आपको चूसता है अपने सामान्य जीवन को जीता है क्योंकि ये बात भौवरा ये बात की भौरा नहीं उड़ सकता ये बात भौरे को किसी ने बताई नहीं और अगर बताई भौरे को तो भंवरे ने ये बात सुनी नहीं इसीलिए भौरा मस्ती के साथ उड़ता है तो इसीलिए आपको भी उड़ना है उन लोगों के बारे में मत सोचो जो ये कहते हैं कि अरे तुम्हारे बस का नहीं है तुम नहीं कर सकते तो बी अ बम्बल भी बी बनो अ बम्बल भी विज्ञान कहता है कि बम्बल भी नहीं उड़ सकता फिर भी बम्बल भी उड़ता है ना क्यों उड़ता जानते हो क्योंकि किसी ने बात विज्ञान में ऐसा कोई रूल है उस रूल को फॉलो ही नहीं करता वो लाइन याद करिए ना जो रिचर्ड बाग की लाइन में बोलता हूँ अक्सर कौन सी लाइन बोलता हूं डोंट बिलीव योर आईज अपनी आंखों पे विश्वास मत करो बिकॉज वेव वे शो लिमिटेशन आंखें जो दिखाई देती हैं लिमिट दिखाई देती हैं यू हैव टू गो बी लिमिट यू हैव टू गिव योर हंड्रेड परसेंट यू हैव टू गिव योर एवरीथिंग जिंदगी में कुछ करने के लिए कुछ अच्छा करना पड़ेगा तो बी बंबल भी एक बंबल भी बन जाओ भौरा बन जाओ किसी को सुनो ही मत रूल तुम्हारा क्या कहता है आई डोंट नो मैं मेहनत करूंगा गॉड इज वॉचिंग एवरीथिंग अगर गॉड को लगता है कि मेरा मेहनत गॉड इन द नेम ऑफ कोई भी गॉड आप मैं प्रभु राम को मानता हूँ आप किसी और को मान सकते हैं यू आर फ्री आप विश्वास करिए ट्रस्ट गॉड हैव फेथ इन गॉड एंड हैव हैव अ रिकॉर्ड ऑफ ईच सिक्सटी सेकेंड हर सिक्सटी सेकेंड का हिसाब रखो टमोरो इज योर्स थैंक यू वेरी मच स्टे टे कनेक्टेड इंस्टीट्यूट आज का सवाल हम बता दें क्या है ये सवाल जो था अब बम्बल भी फिर किसी दिन होगा बम्बल भी तो बहुत हो गया और ये माई डियर जो है हिम अब भाई ये जो इनडायरेक्ट भी बनेंगे डेट और वाई दोनों साथ में थोड़ी ना हो सकता तो यहाँ तो दैट uh, को तो सुपर है कोई दिक्कत नहीं है बी आस्क हिम वाई ही वॉज अपसेंट राइट आज का सवाल क्या है आल हु हैव कम आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन विच विल टेक प्लेस नेक्स्ट वीक सो यू हैव टू फाइंड आउट द In any of the part, if there is any, if you don't find any error, then your answer should be no error. Thank you for watching us. Stay connected, stay tuned. If you like my series, then like share Good night. Good night. Good night.